राम राम सा पापा मम्मी रसोई मारवाड़ी में आज अपा सर्दियारा वास्ते सोयाबीन रो चटपटो नाश्तो उन साथ खाउन वास्ते अपा एक चटनी बनाने तैयार करेला। उन वास्ते मैं कड़ालो लिए हूँ। कड़ाला रे मायने अपा एक कप सोयाबीन लिया और मेजरिंग कप रे हिसाब में एक कप सोयाबीन लिया हूँ। इन्हें साथ मैं तीन टमाटर लिया हूँ। इन टमाटर ने अपा अच्छी तरह धो लिया हाँ। इन्हें बैक साइड रे मायने है और निकाल दी वहाँ पाटू और ऊपर इन तरह चूरा लगा दें। क्रॉस रे मायने चूरा लगा दी हूँ ये भी इन मायने डाल दी हूँ। इन्हें चीरो लगो ना रीजन हो या करे अपा इन मायने उबाला ला जो इन्हें छिलका निकलने आसानी रहे वाला। इन्हें साथ मैं दो प्याज लिया हूँ। ए मीडियम साइज रे प्याज में ली भी हूँ। दो ही प्याज ने पात दादा काट लिया ने ऊपर जिको वे आँख दिखे निकाल ली हूँ। दो गांठे मैं लहसुन लिया हूँ ए भी मैं डाल दी हूँ। लहसुन ने करीब अपन छोल ने ले लूँ ए छोल लेडो लहसुन है। इन्हें साथ मैं पाँच मिर्ची ली भी हूँ ए भी मैं डाल दी हूँ। अब भाई सब ने अपा उबालना तैयार कर ला। रास्ता कड्डा रहे मैंने अपा लगभग एक लीटर भजी तो पानी डाल दिया ने गैस चालू कर दिया। अब पानी मैंने अपा उबाल आऊँ डूगियो है। अब इन मैंने अपा एक छोटा चम्मच भजी तो नमक डाल दें। इन्हों कहे थोड़ा सा यार नमकीन हो जावेला नमक ना पाछी तरह मिक्स कर ला। इन तरह सब चीज़ें मैंने थोड़ा थोड़ा नमक पहुँच जावेला। अब उबाल आया पाछ अपा ढक्कन लगाने कही है दो तीन मिनट तक और पका लिया हूँ तो कही है अपन न्यूट्रेला वगैरह सॉफ्ट हो जाना चाहिए। अब इन्हें उबालता हो पाँच तीन मिनट हो गया है तो तीन चार मिनट में मैंने लगभग उबलना तैयार हो जाया करें। देखो सब है अपना न्यूट्रल है फूल गया सारा अच्छा फूल गया और सॉफ्ट हो गया है। खुशबू तो इन टाइम बहुत ही अच्छी आ रही है। सब न्यूट्रल है मैंने अपन प्याज री मिर्ची री टमाटर सब खुशबू आ जाया करें। तो टमाटर की देखो स्किन भी है क्या फाट गई है अब स्किन आराम हो निकल जाए वाला। मिर्ची भी पानी सॉफ्ट हो गया है तो सब चीज़ें एक साथ कर लानी तो न्यूट्रल में बहुत अच्छी खुशबू आ जाए इन्हें। अब इन्हें अपना छान ले वहाँ छानने पानी निकाल ले वहाँ आप देख रहे हो सब चीज़ें बहुत ही अच्छी पक गई है इन महीने। अब इन्हें ठंडा करने वास्ते रख दे और जो पानी नीचे निकलियो है इन पानी ने अपना फेंकना नहीं है। इन पानी ने मैंने सब सब्जियाँ खुशबू आई गई है और सब्जियाँ कस भी आई गया है तो इन पानी आप सूप बनाने पी सको बहुत ही अच्छा सूप बनाया करे। अब सब चीज़ें जी की आप उबाल ने रखी है ठंडी होगी है ठंडो है पति ने जी का प्याज है प्याज ने अपा इन मायने डाल दे प्याज ने थोड़ा सा भले अपा दूध टुकड़ा करने डाल दो आराम आप यू भी डालो तो फिसी जाला प्याज तो भाई जी का टमाटर अपा उबाले आके इन छिलको आराम निकाल लेना दे अच्छा उबल दे छिलको अलग हो जाए करें चटनी अपने स्मूथ बनने तैयार है। इन तरह निकाल लेना छिलको पूरा तो सब टमाटर अपा छिलको निकाल लाना आप देख रखे तो इजीली छिलको निकल गया। मिर्ची अपा उबाली ही मिर्ची भी इनमान डाल दें। अब इनमान मैं न्यूट्रेला ने अलग कर दी हूँ इन लहसुन ला रहे अपना बच गया है भाई इन लहसुन ने अपा इनमान डाल दी और लास्ट मैंने इनमान पर थोड़ा अदरक डाल दें। अदरक ने मैं साफ धोने छील लिया हूँ आधा इंच बजे तो लगभग अदरक है। अब इनमान अपा पीस ले और ध्यान रखना पानी नहीं डालना पड़ना क्योंकि कांदा रमाने पानी हो गया टमाटर में पानी हुए बहुत ही अच्छा पीसी एकदम महीन पेस्ट बन गया। इन तरह उबाल ने बनावला तो इन्हें पेस्ट बहुत ही अच्छा बनेला। अब इन्हें अपा एक बॉल में निकालना। अब सब पहले अपा चटनी बनाने तैयार कर ला। चटनी बनाने वास्ते अपा एक पैन लिया हाँ पैन रे मायने मैं तीन टेबल स्पून वजह तो तेल डाल दूँ क्योंकि चटनी बनाओ जर थोड़ा तेल बतो ही ला गया कर एक दिन में चटनी अपना खावनी नहीं है चटनी काफ़ी दिन तक चलिया करे। अब पाँच छः कड़िया लहसुन ली हुई हाँ मैं लंबी लंबी काट नहीं डाली इन तरह कटोरा लहसुन डाला जाए चटनी दिखने में अच्छी लगे हल्को सा कलर चेंज करना आँच अपा इन टाइम थोड़ी धीरे कर ले। अब इन मैंने पाव छोटा चम्मच वजह थी अपा हींग डाल दी एक छोटा चम्मच वजह तो जीरो डाल दी जीरो भी अपना देखो अच्छी तरह पक गया है लहसुन वगैरह भी देखो अच्छा पक गया है इन्हों ज़्यादा नहीं पका उन्हें। अब इन मैंने अपा जी का पेस्ट बना रखे आके और डाल दी इन टाइम इन खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है ये सब चीज़ें पकी हो रही वास्ता के फटाफट पक जाए वाला चटनी ज़्यादा टाइम नहीं लगे चटनी पकने में। अब इन मैंने अपा कुछ मसाला डाल दी डेढ़ छोटा चम्मच वही तो इन मैंने अपा नमक डाल दी और दो छोटा चम्मच वही थी लाल मिर्ची डाल दें इन मैंने और सब ने अपा अच्छी तरह मिक्स कर लिया। मार्केट में जड़ी चटनी मिलिया करे वड़ी वड़ी बनना तैयार मिला आ चटनी चाहे बड़ा पकौड़ा रहा तभी खाओला तो आप बहुत अच्छी लगे ला। एक वाला बनाने रख दो फ्रिज में मैंने पचाप कि नहीं नमकीन रसाते खा सको बहुत अच्छी लगे। अब दो तीन मिनट वास्ते अपना ढक्कन लगान रख दे जिन्हों के तेल इन रिलीज हो जाए वाला। अब दो तीन मिनट तक अपना और पका लिया सब चीज़ें अपना पक्योड़ी से हल्को हल्को इनमें तो तेल छूटना रू है बहुत थोड़ा थोड़ा तेल छूटना रू गया ज़्यादा पकावला तो और ज़्यादा तेल छूटेला। अब अपन कोई पतली नहीं बनावनी है ज़्यादा इन तरह बनाने से तैयार करनी है। अब लास्ट में मायने इन मायने अपना एक नींबू रस डाल दे कोई टमाटर खड़े रहता है नींबू रस की खटाई है बहुत ही अच्छी लगेगा। आप अगर नींबू रस नहीं वह तो आप जिन टाइम सब मसाला पीस आओ तो उन टाइम आप इमली पीस लीजिए। अब अपन चटनी बनना तैयार होगी है नींबू डाले पर अपन ज़्यादा पकाओ नहीं चटनी में गैस न बंद कर दे पाचा अपन न्यूट्रेला ले ला तो न्यूट्रेला मानो अपन पानी नहीं निकालना है जो पानी अपन जुर मानो निकल गया वो सफिशियंट पानी है बाकी रो पानी छो तो मैंने। अब इन्हें अपना पीस ले सब ने इकट्ठा करना एक बार सेंटर में कर ला। इन्हें अपना पेस्ट वजू नहीं बनावना है
हड़का हड़का देखो चंक्स वगैरह रेक भाई मैंने कहा तो कोई बात नहीं उन्होंने नाश्ते रहे मैंने कहीं टेस्ट अच्छा वेला अब मैं इन्हें पाई बॉल में निकाल देवा अब इन मैंने पा कुछ सब्जियाँ मिक्स कर लेवा जिन नाश्ता अपन अच्छे हेल्दी बनना तैयार हुए तो मैं एक गाजर ली हुई हूँ जिन्हें कद्दूकस कर ली हूँ अभी मैं डाल दी हूँ एक मैं मीडियम साइज रो प्याज लिए हूँ इन्हें छोटा छोटा काट लिया हूँ मैं आप प्याज वगैरह नहीं खाता वो तो आप मत डाल दो एक इंच में अदरक का टुकड़ा लिया हूँ जिन्हें कद्दूकस कर लिया दो मैं हरी मिर्चा ली हुई हूँ जिन्हें छोटी छोटी काट ली अपना बच्चा हरी मिर्ची वगैरह नहीं खाता वह तो आप मत डाल दो दो टेबल स्पून जितना मैं हरा धना लिया हूँ सब्जी आप पसंद रहे साबु आप पत्ती कम डाल सको 8-10 कड़ी पत्ता लिया हूँ जिन्हें मैं पतला पतला काट लिया हूँ काटने डाला ला जाके ना फ्लेवर बहुत अच्छा वाला कड़ी पत्ता इन्हीं साथ मैं मीडियम साइज एक आलू लिया हूँ जिन्हें मैं कद्दूकस कर लिया हूँ इंचरो महीन में कद्दूकस कर लिया कद्दूकस करना है पानी नहीं मान डालने रखना जिन्हों कहीं है काला नहीं पड़े नहीं तो आलू काला पड़ जाया करे अब इन्हें पानी अच्छी तरह निचोड़ नहीं मैं डाल दें और कच्चा आलू जो है उबल्ड आलू नहीं है अब आप चाहो तो इनमें मटर वगैरह भी डाल सको और भी सब्जियाँ कोई डालनी चाहो पत्ता गोभी फूल गोभी वे भी डाल सको वे भी अच्छी लगे वे सब कद्दूकस कर डाल दो अब मैं आधा कप है तो दही लिया हूँ और दही भी मैं डाल दें आप दही नहीं खाता होता इन जगह में तो आप नींबू रस डाल दीजिए नींबू आपके कर नहीं हुआ तो चाहे अमचूरी खटाई वगैरह डाल दीजिए आप तो वो भी चल जाएगा आधा छोटा चम्मच में भुनड़ो जीरो लिया हूँ आधा छोटा चम्मच में लाल मिर्ची ली हूँ कि हरी मिर्ची डाल दी पहले रास्ते में लाल मिर्ची थोड़ी कमी डाली हूँ पाव छोटा चम्मच वही थी मैंने हल्दी डाल दी छोटा चम्मच इनमें अपन नमक डाल दे तो नमक आप स्वाद अनुसार आप कम पत्ता डाल सको कि कोई लोग नमक ज़्यादा खाया करे कोई कम खाया करे अब नॉर्मल नमक खाता हुआ तो एक छोटा चम्मच नमक बहुत है इनमें बस अपने आप अच्छी तरह मिक्स कर ले अब इनमें बाइंडिंग करवा एक कप है जितनी मैं सूजी ली हुई हूँ आ सूजी जी के नॉर्मल अपा उपमा बना तैयार करा करें वही सूजी है आप रामायण मई सूजी हुआ तो वह भी ले सको आप सूजी ने भी इन तरह पर मिक्स कर ले सूजी डालने से कोई एक नाश्ते रामायण बाइंडिंग अच्छी आ जाए वाला अब इनमान अपा थोड़ा पानी डाल दे एक वाला मैं इनमान आधा कप है जितना पानी डालू ला अपा इन्हें गोड़ बना ले बहुत ज़्यादा पानी मत डाल दो आप आधा कप में पूरा पानी डाल दें मैं थोड़ा सब्जी रामायण पानी निकलिया करे इस वास्ते पानी एक वाला अपना खुद विचार नहीं डालना अब सूजी ने भिजने वास्ते अपा 10 मिनट वास्ते रख दे 10 मिनट में सूजी अपन अच्छी भीगना तैयार हो जाए वाला अब इन्हें गोलना रखे ना अपना 15 मिनट हो गया है तो गोल अपना परफेक्ट बनना तैयार हो गया है इन्हें बहुत ज़्यादा गिलो नहीं बनावना गोल गिलो बनावला तो आप अच्छा नहीं बनाना नाश्ता लास्ट मैंने अपना इन मैंने एक छोटा चम्मच वे तो इनो डाल दी होना आप इनो नहीं डालना हुआ तो इन जगह में तो आधा छोटा चम्मच आप मीठा सोडा डाल सको इनो और मीठा सोडा आपने दो ही नहीं डालना हुआ तो आप चाहे यू भी बनावला तो आप अच्छा बनना तैयार हो जाए वाला पर थोड़ा फूला फूला नहीं बनेला अब अपना नाश्ता बनाना शुरू करा अब नाश्ता बनाने वास्ते मैं पैन लिया हूँ ने पैन ने अपना गर्म रख दिया इन्हीं साथ इन मान थोड़ा सा घी तेल लगा लेना आप चाहो तो घी तेल बटर की भी लगा सको ने थोड़ा सा इन मान अपना तिल डाल दिया जो तिल मैंने कैल्शियम होया कर अच्छो तो बच्चा रहे बड़ा सब रहे शरीर मैंने कैल्शियम भी मिल जाए पान 2 चम्मच वही होता इन मान डाली हूँ मैं और सब ने अच्छी तरह इन तरह फैला दे जो पंची लड़ा फैलाया करे इन तरह फैला दे अपन और चाहे तो आप तवा माते भी कर सको पैन में तवा माते किन्नी मायने बना सको आप इजीली बन जाए आप सोयाबीन ने थोड़ा पकड़ में टाइम लाग गया करे इस वास्ते अपन आँच ने एक वाला स्लो और मीडियम के बीच में कर लेवा ज़्यादा तेज आँच में नहीं कराला इन माते थोड़ा ढक्कन लगा देवा जिन्हों का ये स्टीम अच्छा पक जाए वाला अब देखो 1 मिनट हो अपन रखे ना 1 मिनट रामायण देखो अच्छा पक गया ऊपर उधर सब जगह अपन सूखो दिखना और हो गया इन तरह सूखो दिखना रोज आवा इन्हें मतलब अपना इन्हें नीचे साइडों अच्छा पक गया है तो साइड रामायण अपना थोड़ा थोड़ा घी लगा लेना घी या तेल जो भी आप खाता हुआ वो लगा दीजिए घी तेल लगाना ऑप्शनल है अपना पसंद हुआ तो आप लगे जाओ नहीं तो भी बना सको कलर कितना अच्छा आया देखो मैं बहुत थोड़ा सा घी रहा खाली ब्रश लगाया हुआ मैंने अब अपन ढक्कन लगाने जरूरत नहीं एक साइड रोटी पक गया अपन इधर ढक्कन लगाने जरूरत नहीं अब पक जावेला अपना दो ही साइडों अच्छा पक जाना चाहिए बस मैं नाश्ता रोटी की साइज बनाया हूँ इस वास्ते मारा रेस से रमन लगभग 5 बनना तैयार हुआ है और सर्व करने मैंने 3-4 लोगों वास्ते बराबर रहला और वीडियो आपने कड़ो लागो नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखने मैंने जरूर बताइजो मिला सा बेरेड़े दूजा वीडियो रमायण है जब तक राम राम सा।